और जब सरकार बन जाती है तो उसे मास्टर स्ट्रोक कह दिया जाता है। ये मास्टर स्ट्रोक नहीं, ये एक हिट विकेट है जिसमें आउट आप हो रहे हैं। यकीन मानिए, ये पैसा जो आप टैक्स के रूप में देते हैं, इस पैसे से आप एक अच्छे घर में रह सकते थे, एक अच्छी गाड़ी खरीद सकते थे अपने लिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते थे, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते थे। सबसे पहले तो आपके मन में बिठा दिया जाता है कि इस देश में 2 से 4% लोग या 5% लोग ही टैक्स देते हैं, बाकी इस देश पर बोझ है। ये हम सभी ने मान लिया है। व्यापारी ने ये मान लिया है कि किसान को हर चीज में सब्सिडी दी जाती है, बीज में सब्सिडी, यूरिया डीएपी में सब्सिडी, पानी पर, बिजली पर सब्सिडी, और किसान इस देश में सब कुछ फ्री में कर रहा है। अमीर के मन में ये बिठा दिया जाता है कि गरीब को हर चीज में सब्सिडी मिल रही है। नौकरी वाले के मन में बिठा दिया जाता है कि गरीबों को सब्सिडी दी जाती है और हमारे टैक्स के पैसे से दी जाती है, और टैक्स कौन देता है? जैसा मैंने बताया, वही 4 से 5% लोग। इससे होता क्या है, इससे लोगों का आपस में ही बैर बन जाता है। प्राइवेट नौकरी वाले का सरकारी नौकरी वाले के साथ बैर है, व्यापारी का नौकरी वाले के साथ, नौकरी का व्यापारी वाले के साथ, गरीब का अमीर के साथ, और असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। असली मुद्दे कभी भी बहस का विषय बन ही नहीं पाते, जो सरकार चाहती है। अगर हम आपस में ही लड़ेंगे, किसी भी मुद्दों पर लड़ेंगे, तो कभी भी सरकार को असली मुद्दों पर जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज भी एक ऐसे ही मुद्दे की बात करूंगा जो आज तक हमारी आंखों के सामने से गुजर तो रहा है। कभी ना कभी आपने भी देखा होगा कि आपके पैसे उसमें लगे हुए हैं, लेकिन आज तक हमने उस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया है, या मैं कहूं हमारा ध्यान दिलवाया नहीं गया है, क्योंकि हम व्यस्त हैं। आज मुद्दा ये तो है ही नहीं कि नौकरियां नहीं मिल रही, आज मुद्दा ये है कि जो सरकारी नौकरियां हैं उन्हें प्राइवेट करो। अब सोच कर देखिए, अगर उन्हें प्राइवेट करेंगे, कल को आप भी वहीं पर होंगे। और मुद्दे ये असली मुद्दे हैं। आज असली मुद्दा बेरोजगारी है, गरीबी है, भुखमरी है। इस देश में 20 करोड़ से ज्यादा लोग हर रोज भूखे सोते हैं। ये मुद्दे हैं, लेकिन कभी भी आपको बहस का विषय ये किसी भी न्यूज चैनल पर, किसी भी मीडिया पोर्टल पर नहीं दिखेंगे। खैर छोड़िए, आज हम बात करते हैं आज के विषय पर। अगर आपको ये बोला जाए कि आपको अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने गांव में एक बड़ा सा अपने नेता का पोस्टर लगाना है और बड़ा सा खर्चा करना है उसकी एडवर्टाइजमेंट पर, जिसमें 8-10 हजार रुपए लगेंगे, तो क्या आप करेंगे? आप नहीं करेंगे। अधिकतर लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ये कहेंगे कि हम क्यों करें, ये तो पार्टी करेगी, या पार्टी के वो चाटुकार करेंगे जिनको इनसे फायदा होता है। हम सभी की कॉलोनी, सभी के गांव, सभी के शहरों में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो मोदी हो, या कोई भी रीजनल पार्टी हो उन नेताओं के। लेकिन कान इन मामले में सीधा नहीं, उल्टा घुमा कर पकड़ा जा रहा है, पैसा आपका ही जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि साल 2021-22 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 488 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च किए थे। अब आप कह सकते हैं कि ये बीजेपी का स्टंट है, और हो सकता है मुझे भी बीजेपी का ही कार्यकर्ता घोषित कर दिया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी ने ये कहा है कि हमने 6,491 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च किए हैं, जिसमें से 3,260 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट और 3,231 करोड़ रुपए प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च किए गए। ये सरकार के ऑफिशियल आंकड़े हैं, यह जानकारी आरटीआई की है, और इसीलिए मैंने दोनों पार्टियों के नाम लिए हैं जो दिल्ली में कार्यरत है, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और सेंट्रल गवर्नमेंट की बीजेपी पार्टी, ताकि हम ये ना सोचे कि मेरी पार्टी का नाम ले दिया, दूसरी पार्टी का तो नाम लिया ही नहीं। हम इसमें भी राजनीति ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो 6,000 करोड़ से ज्यादा, ये जो दिल्ली में 500 करोड़ के लगभग ये जो पैसा है, ये आता कहाँ से है? ये मैं बताऊं, आता आपकी जेब से है। जब आप काम करने जाते हैं तो इनकम टैक्स देते हैं अपनी सैलरी पर, उसके बाद आप नमक से लेकर अगर पिज्जा भी खाते हैं तो उस पर भी टैक्स देते हैं।
अगर आप साइकिल से चलते हैं या हवाई जहाज से चलते हैं, साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक चलने पर भी आप टैक्स देते हैं। इसी टैक्स के पैसे से ये एडवर्टाइजमेंट की जाती है। आज दिल्ली की सरकार फेमस है कि प्रोजेक्ट 50 करोड़ का होता है और उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए 52 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। आज खुलेआम चुनाव का जब रिजल्ट आता है और 2-4-10 सीटें कम रह जाती हैं किसी भी राज्य में सरकार बनाने के लिए, तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां एमएलए एमपी की खुलेआम खरीद फरोख्त करती हैं। आपको दिखेगा कि आज चुनाव का रिजल्ट आया है और किसी नेता के ऊपर केस खुल गया है एकदम से, क्योंकि उसकी साथ जो है सरकार बनाने, उसके साथ गठबंधन करने से सरकार बन जाएगी, और जैसे ही वो गठबंधन कर लेता है तो वो केस ठंडे बस्ते में चला जाता है। महाराष्ट्र में हमने देखा कि कितने बड़े सियासी संकट में खुलेआम खरीद फरोख्त हो रही थी। एमएलएज कभी आसाम जा रहे थे, कभी गुवाहाटी जा रहे थे, कभी कहीं जा रहे थे, और खुलेआम ये धंधा चल रहा था। खुलेआम लोग आपस में बात कर रहे थे, अच्छा है 50 करोड़ मिलेंगे, 100 करोड़ मिलेंगे अभी इन एमएलएज को, इनकी तो चांदी होगी। ये पैसा आता कहाँ से? ये आपकी जेब से आता है। जो आप तिल तिल कर पूरा दिन काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, अपनी बॉस की सुनते हैं और अपना खून देकर आते हैं वहां पर, ये पैसा वहां से आता है। और जब सरकार बन जाती है तो उसे मास्टर स्ट्रोक कह दिया जाता है। ये मास्टर स्ट्रोक नहीं, ये एक हिट विकेट है जिसमें आउट आप हो रहे हैं। यकीन मानिए, ये पैसा जो आप टैक्स के रूप में देते हैं, इस पैसे से आप एक अच्छे घर में रह सकते थे, एक अच्छी गाड़ी खरीद सकते थे अपने लिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते थे, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते थे, आप एक अच्छा जीवन जी सकते थे। इतने भी गुलाम मत बनिए कि आपको सच आपके आंखों के सामने इतना बड़ा बड़ा लिख दिया जाए और आप उसे देखने की कोशिश ही न कर रहे हो। ये वो पैसा है जिससे आप एक अच्छा जीवन जी सकते थे, लेकिन नहीं, आपको वही रोटी कपड़ा और मकान तक सीमित कर दिया गया है। और उसमें भी वो एहसान जताते हैं कि हमारी सरकार में आपको अच्छे से मकान मिल रहा है, अच्छे से खाना मिल रहा है, इतने में वो एहसान जता देते हैं आपके पैसे ही लेकर। इसमें मुझे रामधारी दिनकर जी की एक लाइन याद आती है जो उन्होंने लिखी थी, जनता पर कंट्रोल करने के लिए कुछ लोगों ने एक संस्था बनाई जिसे सरकार कहते हैं। तो ये लोगों पर कंट्रोल करने के लिए वो संस्था है जिसे आज हम सरकार कहते हैं, जो लोगों को लूट रही है, लोगों के पैसे लूट रही है, उनका खून चूस रही है, और उसी पैसे से वो अपने मजे करते हैं, ऐशो आराम करते हैं। चाहे देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसका कोई भी नेता हो, उसे एक कहावत अपने जीवन में पकड़ ली है कि पैसा फेंक तमाशा देख। ये सब इसीलिए हो रहा है, उन्हें पता है कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगेंगे, बड़े बड़े फोटो लगेंगे, तो एक हवा बन जाएगी चुनाव के माहौल में और उसे वोट मिलने लग जाएंगे। इसमें सारी गलती जो है नेताओं की भी नहीं है, हमारी भी है। हमें भी चुनाव के समय में शराब चाहिए, मटन चिकन चाहिए, तभी हम उसको वोट देते हैं, और ये कड़वी सच्चाई है हमारे समाज की। आज क्या कोई पहल नहीं होनी चाहिए कि नगर परिषद, वार्ड, किसी भी गांव में, किसी भी कॉलोनी में हम उसी नेता को चुनेंगे जो एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा कम करेगा, जिसके बड़े बड़े होर्डिंग्स नहीं दिखेंगे और जो सही मायने में जनता के लिए कुछ करेगा? क्या ये कैसी कोई पहल नहीं होनी चाहिए? लेकिन होगी कैसे? हमें तो चुनाव के समय में शराब चाहिए, हमें तो चुनाव के समय में मटन चिकन चाहिए, लेकिन 1 महीना शराब पीकर आप अगले 5 साल तक उसे अपना खून पिलाते हैं और वो पीते हैं। यकीन मानिए, जब तक ये सिस्टम नहीं टूटने वाला, जब तक हम अपनी सोच को, इस गंदी सोच को नहीं तोड़ेंगे, जब तक कुछ बदलाव नहीं आने वाला है। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।